हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज हम जानेंगे हिंदी के बारे में। स्वागत है आपका कंपटीशन एंड यू में। अपना सपना लेखपाल, आइए पढ़ते हैं आज हिंदी के फर्स्ट चैप्टर को या शुरुआती चरण को, जिसमें हम जानेंगे हिंदी व्याकरण के बारे में। लेकिन हम आज पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण, मैं आप लोगों को बता दूं कि चलिए एक सेंटेंस देखते हैं सबसे पहले, और उसके माध्यम से कुछ समझने की कोशिश करते हैं। मैंने एक चीज़ बताई है कि अगर आपको अपने एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना हो, अब यहाँ पर स्थान से मतलब एक कमरे से दूसरे कमरे का नहीं हो सकता, ऐसा समझ लीजिए आपको मुरादाबाद से दिल्ली जाना हो, तो आपको जरूरत पड़ेगी कुछ साधनों की। वो साधन हो सकते हैं ऑटो, थोड़ी दूर तक जाने के लिए, आगे जाने के लिए बस या ट्रेन या प्लेन। इस प्रकार की सुविधा आपको चाहिए होगी, मतलब कि कुछ संसाधन चाहिए होंगे, कोई रास्ता चाहिए होगा, कोई तरीका दिल्ली पहुंचने का या किसी अन्य स्थान पर पहुंचने का चाहिए होगा। तो फिलहाल हमें पहुंचना है लेखपाल की जॉब तक, ठीक है? तो उसके लिए एक तरीका, एक माध्यम है हिंदी, क्योंकि हिंदी उनमें से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जो कि आपको पूरा नंबर दे सकती है। अब आइए इसी वे में चलते हुए एक चीज़ और समझते हैं। जैसे कि आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसी साधन की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ। मैंने लिखा गया माँ साथ मैं के था। ये एक वाक्य मैंने लिखा। क्या लिखा है? एक वाक्य ये आपके सामने लिखा हुआ है। क्या ये वाक्य गलत है? तो आप लोग कहेंगे हाँ सर, ये वाक्य गलत है, ये वाक्य अशुद्ध है। कैसा है? अशुद्ध है। तो शुद्ध वाक्य क्या होगा? शुद्ध वाक्य होगा मैं माँ के साथ गया था। शुद्ध वाक्य क्या होगा? मैं माँ के साथ गया था। इसी अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध लिखने के लिए हमें एक माध्यम की जरूरत है, एक माध्यम की आवश्यकता है, एक माध्यम की जरूरत है, एक हमें एक रास्ता चाहिए कि जैसे कि हम इस अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध रूप में लिख पाए। उसी माध्यम का नाम व्याकरण है। उसी माध्यम का नाम क्या है? व्याकरण। व्याकरण ही वो माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपने शब्दों को या फिर हिंदी व्याकरण, हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने का कार्य करती है। देखिए, अगर रूप शुद्ध नहीं होगा, आपके द्वारा लिखे गए बोले गए वाक्य का रूप शुद्ध नहीं होगा, तो सामने वाला व्यक्ति को बात समझ में नहीं आएगी। जैसे आमतौर पर आपने सुना होगा कि पहले लोग कुछ भी बोल देते, फिर कहते हैं सॉरी सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। मतलब कि हमने जो बात प्रकट करना चाहिए वो बात हम सही से प्रकट नहीं कर पाए, उसमें कुछ अशुद्धियाँ रह गई, और उन्हीं अशुद्धियों के कारण क्या होता है, विचार या हमारे मन के भाव सही सही रूप से सामने वाले व्यक्ति तक पहुंच नहीं पाते हैं। आइए इसे समझते हैं। लेकिन इस व्याकरण के कुछ नियम हैं, कुछ नियम हैं, इन्हीं नियमों को हम जानेंगे, क्योंकि ये नियम क्या हैं, अगर हमें साइंटिफिक तरीके से देखें तो ये नियम बिल्कुल ही सटीक है। साइंटिफिक तरीका इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि आपकी संस्कृत के माध्यम से ही इंग्लिश के बहुत सारे शब्द आए हैं, और मैं आपको बता दूं हमारी हिंदी एक वैज्ञानिक तरीके से लिखी गई भाषा है, एक वैज्ञानिक तरीके से उगेड़ी गई भाषा आपके सामने है। तो आइए समझते हैं कैसे अशुद्ध रूप को शुद्ध रूप में लिखना है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा ना करने के कारण हम अपने विचार सामने वाले व्यक्ति के सामने शुद्ध रूप से रख नहीं पाएंगे। आइए समझने की कोशिश करते हैं हिंदी व्याकरण के इस प्रारूप को भी। तो हम जानेंगे क्या कि भाई हिंदी व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप से बोलने या लिखने का माध्यम है। क्या है? लिखने का माध्यम है। बोलें या लिखें, क्या लिखें या बोलें, भाषा, उसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? हिंदी व्याकरण की। पर इससे पहले हम आगे बढ़ें, हमें यह पता होना चाहिए भाषा क्या है, ये भाषा है क्या, भाषा का प्रारूप क्या है। तो आप लोगों को मैं बता देता हूं कि भाषा
अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का, अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का साधन है। क्या है? साधन है। जब आप अपने विचारों को एक दूसरे व्यक्ति तक, सामने तक पहुंचाते हैं, तो वो किसके माध्यम से पहुंचाएंगे? आप भाषा के माध्यम से पहुंचाएंगे। इसीलिए इस माध्यम का शुद्ध होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर आप एक बस में दिल्ली जा रहे हैं और बस अच्छी कंडीशन में नहीं है, बस अच्छी नहीं है, सुधरी हुई नहीं है, तो वो रास्ते में ख़राब हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, आप अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो सेम इसी तरह से अगर आपकी भाषा शुद्ध नहीं है, तो आपके विचार सामने वाले व्यक्ति के मन तक नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो इन्हीं विचार पहले एक बार हम बात कर लेते हैं कि भाषा क्या है, समझ लेते हैं कि भाषा क्या है। देखिए, भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं, लिखते हैं, समझते हैं। ये सारे काम हम किसके माध्यम से करते हैं प्यारे बच्चों? विचार माध्यम, भाषा के माध्यम से हम लोग इस काम को करते हैं। तो अगर हम भाषा की बात कर लें, तो भाषा क्या है? भाषा एक साधन है, एक माध्यम है, जिसके माध्यम से हम सोचते, लिखते और समझते हैं। दोबारा कर लेता हूँ। तो भाषा क्या है? भाषा एक साधन है, एक माध्यम है, जिससे हम अपने विचारों को सामने वाले व्यक्ति के आगे रख सकते हैं। चाहे वे विचार मौखिक रूप से हों, लिखित रूप से हों, लिखकर हों, ठीक है, किसी भी रूप में हों, मौखिक हों या लिखित हों। अब क्योंकि बात हो रही है भाषा की, तो हमारी भाषा कौन सी है? हमारी भाषा है हिंदी भाषा। कौन सी भाषा है हमारी? हिंदी भाषा। पर हिंदी भाषा की अगर थोड़ी सी अगर हम बातचीत करें, तो हिंदी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमारी जो हिंदी भाषा है, यह आर्यों के द्वारा आई है। किसके द्वारा आई है? आर्यों के। लेकिन आप कहेंगे, सर आर्यों की भाषा तो संस्कृत थी। जी हाँ, आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। जैसे कि आपने एक लाइन सुनी होगी, परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो उस नियम के तहत या फिर इस प्रणाली के तहत हम जानते हैं कि परिवर्तन चीजों में होता रहता है। इंसान का स्वभाव बदलता है, इरादे बदलते हैं, समय के साथ विचार बदलते हैं। तो उसी प्रकार से समय के साथ भाषा में भी परिवर्तन आना जरूरी था, और वह परिवर्तन आया। तो संस्कृत ही धीरे धीरे आगे चलकर क्या बन गई? हिंदी भाषा बन गई। अब इसके बीच में जो परिवर्तन आया, उसी परिवर्तन को हम हिंदी भाषा का विकास कह देते हैं। जो क्रम आया, हिंदी भाषा का विकास कह देते हैं। क्या कह देते हैं? हिंदी भाषा का जो विकास हुआ, जैसे संस्कृत से प्राकृत, पाली, अपभ्रंश इस प्रकार से आती गई, और अंत में क्या आ गई? हिंदी से। हम आगे चलकर अभी पढ़ेंगे, लेकिन हम समझ गए कि संस्कृत से कैसे हिंदी भाषा तक पहुंचे। तो हमारी भाषा क्या है? हिंदी। अब ये हिंदी जो भाषा है, दो रूप से प्रकट की जाती है। पहला रूप हो सकता है आपका मौखिक, और एक अगला रूप हो सकता है लिखित। अब देखिए, दोनों के लिए हमें नई नई तकनीकों की जरूरत पड़ेगी। अगर हम मौखिक की बात करें और लिखित की बात करें, तो इन दोनों को कंपूर्ण करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है वर्ण की। ठीक है, हमें किसकी जरूरत पड़ती है? वर्ण की। मैं एक बार थोड़ा शॉर्ट में बता दूं, वर्ण के अंदर आते हैं आपके स्वर और आते हैं आपके व्यंजन। ठीक है, स्वर 11 होते हैं इस प्रकार से, या फिर अगर हम टोटल बात कर लें, तो वर्णों की संख्या 52 होती है। इस पर भी आगे चलकर बात होगी। तो हमारी जो हिंदी भाषा है, जो कि संस्कृत से आई है, तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चलती है कि हिंदी की आदि जननी कौन है? संस्कृत। आदि जननी का मतलब है कि हिंदी किस भाषा से बनकर आई है? तो ये किससे आई है? संस्कृत से आई है। समझेंगे, तो इसे हम दो रूप में, मौखिक रूप से और लिखित रूप से प्रकट कर सकते हैं। और इन दोनों के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? वर्ण की आवश्यकता हमें इसके लिए पड़ती ही पड़ती है।
किसकी आवश्यकता पड़ती है? मौखिक रूप से लिखें या जैसे भी लिखें, उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? वर्ण की जरूरत पड़ेगी। इस बात को रोकते हैं, अगला पॉइंट समझते हैं, अभी वर्णों पर हम वापस आएंगे, क्योंकि अब हम भाषा की बात कर रहे हैं। तो हमने अभी अभी एक चीज़ सीखी है कि अगर वह अशुद्ध होगी तो सामने वाला व्यक्ति उसे समझ नहीं पाएगा, लेकिन अशुद्धि की कुछ कैटेगरी होती हैं। तो अशुद्धि की मुख्य रूप से तीन कैटेगरी हो सकती हैं जहाँ पर आपकी भाषा अशुद्ध हो सकती है। आइए उन कैटेगरी को समझ लेते हैं जहाँ पर भाषा हमारी क्या हो सकती है? अशुद्ध हो सकती है। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी भाषा किन किन स्टेप पर अशुद्ध हो सकती है और उन्हें कैसे शुद्ध बनाया जाए। तो इसमें सबसे पहले आता है वर्ण विचार, वर्ण विचार। अगला आता है शब्द विचार, तीसरे पर आता है वाक्य विचार। आइए एक बात समझना शुरू कर देते हैं। देखिए, जब वर्ण विचार की बात हो रही है तो इस वर्ण विचार के अंदर आएंगी हमारी ध्वनि। ध्वनि मतलब स्वर। क्या आएंगी? ध्वनि आएंगी, ठीक है। ध्वनि कह लेंगे या फिर मोटे तौर पर कह लेंगे तो वर्ण, क्योंकि वर्ण के अंदर ध्वनि भी आ जाती हैं और व्यंजन भी आ जाते हैं। अगर हमारा वर्ण विचार सही नहीं होगा, ध्वनि हमारी सही नहीं होगी। देखिए, ध्वनि सही होने का क्या मतलब है कि कई बार कुछ लोग, आपने देखा होगा, शय को शय बोलते हैं कि संतरा खा लो, संतरा नहीं होता, संतरा होता है। तो यहाँ पर उच्चारण संबंधी की अगर हम बात करें तो उसके वर्ण विचार वाले पोर्शन की बात करें तो ध्वनि कैसी है उसकी? गलत है, अशुद्ध है, ठीक है ना। अगर बोला जाए कि ध्वनि के माध्यम की अगर हम बात करें, शेर होता है और इसे अगर शेर बोल दें तो देखिए गड़बड़ हो जाएगी। उच्चारण की बात करेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, काम गलत हो जाएगा। तो हमारा वर्ण विचार कैसा होना चाहिए? वर्ण विचार वाले पोर्शन की बात करें तो ये शुद्ध होना चाहिए। हमें शब्दों को, जो ध्वनि है मौखिक रूप से जिसका हम प्रयोग करते हैं, वह कैसी होनी चाहिए? शुद्ध होनी चाहिए। तो ये तो हो गई बात मौखिक रूप की। अब हम यहाँ पे बात करते हैं लिखित रूप में भी, अगर हम वर्ण की बात करते हैं तो ये भी कैसा होना चाहिए? शुद्ध। ये कैसी बात हो गई? मौखिक रूप से जब हम बोल रहे हैं कुछ, तो हमारे जो स्वर हैं, हमारी जो ध्वनि है, वो कैसी होनी चाहिए? एकदम शुद्ध होनी चाहिए, ताकि सामने वाले को समझ में आ जाए, ठीक है ना। देखिए, ऐसी एक एग्जाम्पल था, मैं आपको बता दूं, जो लोग यहाँ से परिचित होंगे, तो हमारे यहाँ पड़ोस में ही एक स्थान है जिसका नाम है गुलाम मस्जिद। जहाँ हम रहते हैं इमगिरी कॉलोनी में, जो हमारी कॉलोनी है, इसके स्टार्टिंग में ही एक मस्जिद है जिसका नाम है गुलाम मस्जिद। तो हमारे यहाँ कोई रिलेटिव आने थे और उन्हें जब एड्रेस बताया गया तो माता जी ने उन्हें एड्रेस बता दिया, और एड्रेस बताते हुए ये बोल दिया कि शुरू में ही मस्जिद है। क्या है? जब आप कॉलोनी में एंटर करेंगे तो क्या है? शुरू में ही मस्जिद है। उन्होंने कहा ठीक है। जब वो आए तो उन्होंने जब इस बात को सुना कि शुरू में ही मस्जिद है, तो उन्हें ये कन्फ्यूजन रहा कि शुरू में ही मस्जिद है। माता जी ने बोला था कि शुरू में ही मस्जिद है, उन्होंने क्या सुना? शुरू में ही मस्जिद है। अब वो यहाँ आकर कॉलोनी के बाहर सबसे पूछते फिर रहे हैं कि भाई कुछ सुरमई मस्जिद है। लोगों ने तमाम मस्जिदों के नाम गिना दिए, साहब ये हैं ये हैं, पर सुरमई मस्जिद कोई सी नहीं है यहाँ पर। फिर उन्होंने दोबारा फोन करा, फोन मैंने रिसीव करा, तो उन्होंने मुझे बताया कि हाँ, तो कोई यार सुरमई मस्जिद है नहीं, सुरमई कोई मस्जिद नहीं है, शुरू में ही मस्जिद है और मस्जिद का नाम गुलाम मस्जिद है। तो देखिए ये किस प्रकार कन्फ्यूजन हुआ? ध्वनि से, क्योंकि हमने जो मौखिक रूप से ध्वनि निकाली, वहां पर थोड़ी सी गड़बड़ होने के चरण के कारण क्या हुआ? गलती हो गई। अब यहाँ पर लिखित रूप से अगर हम बात कर लें, अगर हमारे लिखित रूप से वर्ण जो है वह शुद्ध नहीं होंगे, तो सामने वाला उस चीज को गलत पढ़ सकता है, चाहे फिर आप कुछ भी हो। अगर हमें लिखना है शुद्ध और मैं लिख दूं शुद्ध, देखो शुद्ध और शुद्ध, तो यहाँ पर मौखिक तो गलत है ही है, पर लिखित रूप से भी क्या है? गलत है। तो इन सब अशुद्धियों को सुधारने का जो काम आता है वो किस में आया? वर्ण विचार के अंदर आया। चलिए आगे समझते हैं। आई होप तो देखिए अच्छे से समझेंगे, क्रांतिकारी तरीके से समझेंगे, रटेंगे नहीं, इस प्रकार से समझेंगे कि पेपर में कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी बन जाए, आपका आंसर आपको आना ही चाहिए। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक बार यहाँ पर आया अगला शब्द विचार। अब देखिए शब्द विचार और वर्ण विचार थोड़े थोड़े आपस में मिलते हैं, लेकिन इसे थोड़ा सा पढ़ेंगे। इसमें क्या होगा? विभिन्न शब्दों की बात होगी। किसकी बात होगी बच्चों? विभिन्न शब्दों की। अगर हम यहाँ पे विभिन्न शब्दों की बात करें तो इस वाले पोर्शन को बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि आपके पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द इसमें आते हैं, विलोम शब्द इसी में आते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द इसी में आता है।
तो ये वाला पोर्शन जो है शब्द विचार हमारे किस चीज को स्ट्रोंग करता है, हमारी वोकैबलरी को स्ट्रोंग करता है। क्योंकि जब हम कुछ बात बोलना चाहते हैं तो वहाँ पर शब्दों का एक अनोखा ही रोल होता है जिसके माध्यम से हम चीज़ों को स्पष्ट रूप से बोल पाते हैं। अगला आता है हमारे पास वाक्य विचार। देखिए वाक्य विचार से एग्जाम्पल रिलेटेड हम शुरू में कर चुके हैं कि जहाँ पर हम गलती करते हैं। मैंने लिखा था गया, मैं, साथ, माँ, था, के। ठीक है, ये क्या था? अशुद्ध रूप था। फिर इसका एक शुद्ध रूप भी हमने लिखा था कि मैं माँ के साथ गया था। तो देखिए यहाँ अशुद्ध रूप है। अब यहाँ जब वाक्य का अशुद्ध रूप है तो वाक्य संबंधी परेशानी हम किसमें सोल्व करेंगे? वाक्य विचार में सोल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पे देखेंगे कि कैसी कैसी गलतियाँ हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर गलतियाँ कई प्रकार की हो सकती हैं और वाक्य कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे रचना के आधार पर वाक्य, हाँ, रचना के आधार पर वाक्य। इस प्रकार के वाक्यों को हम कहाँ पढ़ेंगे? इसके अंदर रचना के आधार पर वाक्यों को पढ़ेंगे, व्युत्पत्ति के आधार पर वाक्यों को पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब चीजें किसमें आएंगी? इसमें आएंगी। लेकिन इसमें साथ ही साथ कुछ चीजें होंगी जो कि हम समझेंगे। मैं बता दूं, शब्द विचार में ये भी चीज आती है, आपकी संज्ञा भी आती है, इसमें सर्वनाम आता है, इसमें ये सब चीजें इसी में आती हैं। लेकिन इन सभी चीजों का एक सिक्वेंस होता है। जैसे कि अगर मैं बात कर लूं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, ये सब क्या है? शब्द हैं। देखिए समझेंगे अभी एक बार, ये सब क्या है? हमारे शब्द हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कर्ता, कर्म और भी अन्य हैं। ये सब क्या है? हमारे शब्द विचार में आते हैं। लेकिन इन्हें किस सीक्वेंस से लगाना है, इनका क्रम क्या होना चाहिए? संज्ञा के बाद क्या शब्द आना चाहिए? सर्वनाम के बाद क्या शब्द आना चाहिए? विशेषण कहाँ पर आता है? क्रिया कहाँ पर आता है? ये सब किस में सीखा जाएगा? वाक्य विचार में सीखा जाएगा। समझेंगे, देखिए वाक्य विचार में सीखा जाएगा। कैसे सीखा जाएगा एक बार समझ लेते हैं। देखिए मैंने जो लिखा है इसके अंदर वो सारे शब्द हैं जो कि एक शुद्ध वाक्य में होने चाहिए। यह एक अशुद्ध वाक्य है। अगर मैं इसका शुद्ध वाक्य लिखता हूं तो मैं लिखूंगा मैं माँ के साथ गया था। अब एक चीज समझें, मैं इसमें भी है, मैं इसमें भी है, साथ इसमें भी है, साथ इसमें भी है, माँ इसमें भी है, माँ इसमें भी है, था के सारे शब्द तो हैं। जो शब्द इसमें है वो शब्द इसमें भी है। तो यहां पर शब्द संबंधी गलती तो नहीं है, शब्द तो मैंने सारे प्रयोग में सही करे हैं। लेकिन इनका जो सीक्वेंस था वो मैंने गलत कर दिया। मैंने क्या गलत करा? इसका सीक्वेंस गलत करा। इसी सीक्वेंस को किसमें सीखेंगे? हम वाक्य विचार में सीखेंगे। तो ये हमारा व्याकरण का पोर्शन होगा जो हम पढ़ेंगे। आइए आगे की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा और बात चल रही है अभी भी भाषा की, समझते हैं थोड़ा सा। साथ बने रहेंगे, पढ़ेंगे। देखिए चीजों को पहले समझ लें, क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो आसानी होगी। अब बात कर रहे हैं भाषा की, तो भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है? अगर मैं बात करूं भाषा की सार्थक इकाई की, अभी अभी हमने यहां वर्ण विचार लिखा था क्योंकि इसके बाद हमें वर्ण ही पढ़ना है, वर्ण विचार। तो वर्ण की सार्थक इकाई क्या होती है? वर्ण की जो सार्थक इकाई होती है वह होती है ध्वनि, मतलब कि स्वर। ठीक है, ये सार्थक इकाई भी होती है और सार्थक इकाई के साथ साथ यह सबसे छोटी इकाई भी होती है। सबसे छोटी इकाई भी होती है किसकी? वर्ण की। सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है किसी भी भाषा में? वर्ण की, वर्ण, ध्वनि मतलब स्वर। बात करते हैं भाषा की, भाषा की सार्थक इकाई क्या है? देखिए भाषा की सार्थक इकाई है वाक्य। भाषा की सार्थक इकाई क्या है? वाक्य है। देखो समझो, सार्थक इकाई का मतलब है कोई ऐसा हिस्सा जो कि आपको समझाने में पूर्णतः कामयाब हो रहा हो। तो भाषा कब कामयाब होती है किसी दूसरे व्यक्ति के समझने? जब एक आप पूरा वाक्य बोल देते हो। मैं यहां पर लिखूं कै, यहां पर लिखूं कबूतर, और यहां पर लिखूं कबूतर अच्छा है, कबूतर अच्छा है। तो देखो ये कह क्या है? एक वर्ण है। कह क्या है? एक वर्ण है। तो क्या वर्ण के माध्यम से मेरे विचार प्रकट हो पा रहे हैं? नहीं। कबूतर क्या है? एक शब्द है। कबूतर क्या है? एक शब्द है।
तो अगर मैं सिर्फ कबूतर बोलूं तो क्या मेरे मन के विचार सामने प्रकट हो पा रहे हैं? नहीं। अब क्या है, एक वाक्य है यहाँ पे लिखा कबूतर अच्छा है, मैंने लिखा कबूतर अच्छा है, तो यहाँ से मेरे मन का एक भाव प्रकट हुआ कि हाँ कबूतर अच्छा है। तो मेरे मन के भाव को या मेरे विचारों को किसने प्रकट किया? एक वाक्य ने। तो भाषा की सार्थक इकाई, सार्थक इकाई का मतलब होता है जिसका कोई मीनिंग हो, जो कि पूर्ण हो, ठीक है। तो कैसा है हमारा भाषा की सार्थक इकाई, क्या मानी जाती है? एक वाक्य, याद रखना भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है, और भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। तो इन दोनों में अंतर है, कभी मिसमैच कर दो। आइए अब समझते हैं वर्ण विचार, वर्ण विचार की तरफ चलते हैं और थोड़ी सी इस पर हम बातचीत कर लेते हैं। आइए बात करेंगे थोड़ी सी वर्ण पर, वर्ण विचार। देखिए वर्ण विचार की अगर हम बात करते हैं तो वर्णों को जब हम शब्दों के रूप में लाते हैं, एक वर्ण होता है, वर्ण से शब्द बनते हैं, शब्द से बनता है वाक्य, समझेंगे। एक होगा वर्ण, वर्ण से क्या बनेगा? कोई शब्द बनेगा, उस शब्द से कोई विचार उत्पन्न होगा, और उस विचार किसका रूप ले लेगा? ये वाक्य का रूप ले लेगा। वाक्य का मतलब सेंटेंस होता है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, स्पेशल लाइन। चलिए तो विचार वाक्य का रूप ले लेगा, ठीक है। तो ये वर्ण, शब्द, विचार और फिर वाक्य की तरफ हम लोग चल देते हैं। पर इससे पहले जब हम वर्ण की बात करें तो वर्ण को हम दो रूप से प्रकट कर देते हैं। पहला होता है मौखिक, जिसके बारे में हमने बातचीत कर ली है, ठीक है। जब हम इसे लिखित रूप में लिखते हैं, जब हम इसे लिखते हैं, लिखित प्रणाली में लाते हैं, तो हमें कुछ चिन्हों की जरूरत होती है। किसकी? चिन्ह की जरूरत होती है। याद रखें, जिन्हें आप छोटा आ, बड़ा आ, का कबूतर, खे खरगोश, गए गमला कहते हैं, वह क्या है असल में? कुछ चिन्ह है। अगर सिर्फ यही सब कुछ होते, यही चिन्ह सब कुछ होते, तो पूरी दुनिया में हिंदी का प्रयोग हो रहा होता, और पुरातात्विक काल में भी किसका प्रयोग हुआ होता? हिंदी का। तो ये आपने अपनी मौखिक भाषा को लिखने की दृष्टि से, लिखने की सुविधा से आपने इन्हें कुछ चिन्ह दे दिए, जो आपने ध्वनियां मुंह से निकाली। हमने मुख से निकाला ए, आ, ई, ई, तो हमने मुख से कुछ ध्वनियां निकाली, उन ध्वनियों को हमने जब लिखित चिन्ह दे दिए तो ये क्या बन गए? वर्ण बन गए, आपके लिखित वर्ण बन गए, ठीक है ना। अब देखिए समझेंगे, अभी हमने जो भी मौखिक ध्वनियां थी, जो भी हमारी मौखिक ध्वनियां थी, उन्हें क्या करा? हमने उन्हें एक रूप दे दिया, उन्हें चिन्हों के रूप में क्या कर दिया? प्रकट कर दिया, चिन्ह के रूप में प्रकट कर दिया। ए, आ, ई, ऊ, औ, औरत, तो हमने इस प्रकार से क्या करा? इन्हें कुछ चिन्ह दे दिए। याद रखें, अगर हम भारतवर्ष की बात करें, सिर्फ भारत की बात करें, तो यहाँ भी अलग अलग चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, अलग अलग स्केल पर। देखिए इस चीज को हमेशा याद रखेंगे। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ गुरु लिपि की, ये कौन सी है? हम जिन चिन्हों का प्रयोग कर रहे हैं, ये चिन्ह क्या कहलाते हैं हमारे लिए? देवनागरी, देव नागरी। हम कौन सी लिपि का प्रयोग कर रहे हैं? देखिए मौखिक भाषा को लिखित रूप में लाने के लिए एक लिपि का प्रयोग किया जाता है, और वह लिपि जिसका हम प्रयोग करते हैं वह कौन सी है? देवनागरी। इसे हम चिन्हों के माध्यम से उत्कृष्ट कर देते हैं। पर यह चिन्ह हर एक धर्म कह सकते हैं, बल्कि हर एक क्षेत्र में अपने अपने हिसाब से अलग अलग बने हुए हैं। पर ऐसा नहीं है कि हिंदी के अन्य को चिन्ह हो, हिंदी के अलग हैं, पंजाबी के अलग हैं, उर्दू के अलग हैं। अब यहाँ पर मैंने बात करी पंजाबी की, तो पंजाबी में भी दो प्रकार का होते हैं, एक होते हैं गुरुमुखी और एक होते हैं हमारे, एक नाम शाहमुखी, एक होते हैं गुरुमुखी और एक होते हैं शाहमुखी। देखिए समझेंगे अभी। अगर ये हमारी कौन सी है? देवनागरी लिपि में हमने जो लिखा, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ओ, बड़ा ओ, ये कौन सी लिपि है हमारी? ये देवनागरी लिपि है। हमारी मौखिक भाषाओं को लिखने के लिए जिस लिपि की आवश्यकता हमें है, वह कौन सी है? देवनागरी लिपि है। अब दुनिया की किसी भी भाषा की बात कर लो, आपके सामने जो स्वर होंगे, जो मौखिक होगा, वह यही है। अब जैसे कि आपने इंग्लिश में देखा होगा कि इंग्लिश में वोवेल्स होते हैं, लेकिन कितने होते हैं? पांच। हमारे यहाँ कितने हैं? 11। इंग्लिश में पांच, हमारे यहाँ 11। परंतु आप देखेंगे कि इंग्लिश के वोवेल्स भी हिंदी को ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर आपने देखा होगा कि इंग्लिश भाषा की जब हम बात करते हैं, तो वोवेल्स से पहले, वोवेल्स से नहीं, सही भाषा क्या है? वोवेल साउंड से पहले ए एन का प्रयोग होता है। किसका? एन का। देखिए इंग्लिश भाषा की बात करें तो उसमें दो चीजें होती हैं, ए और एन,
ठीक है, ये आर्टिकल में आते हैं ए एन द, तो उसमें दो चीजें होती हैं ए और एन। जहां पर वोवल साउंड होता है, वोवल साउंड की बात कर रहे हैं, वोवल लेटर की बात नहीं कर रहे हैं। वोवल लेटर कितने होते हैं? 5। पर वोवल साउंड दुनिया की हर जगह कितने होंगे? 11 ही होंगे। तो वोवल साउंड के पहले हम क्या लगाते हैं वहां पर? एन का प्रयोग करते हैं। कायदे में वोवल साउंड कौन से हैं? ए आई ओ यू। पर जब यहां पर लिखते हैं आवर, इंग्लिश में आवर लिखा जाता है, तो देखिए एच के कारण कौन सी आवाज आती है? आवर, आ की आवाज आएगी। पर क्या छोटा ए या बड़ा ए लिखा हुआ दिख रहा है? नहीं। पर फिर भी ए इससे पहले क्या लगाएंगे हम? एन लगा देते हैं। ऐसा है क्योंकि दुनिया में कहीं भी किसी भी भाषा की बात कर लो, वहां पर जो हमारे स्वर होंगे वह हमारे स्वर 11 ही हैं, जो कि हिंदी में उत्कृष्ट हैं। आइए इसे मैं आगे की बात कर लेते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? देवनागरी की। हमने कौन से चिन्ह लिए? देवनागरी चिन्हों का हम लोग प्रयोग करके अपने शब्दों को लिखते हैं, विचार को वाक्य के रूप में लिख देते हैं। परंतु ये हर एक जगह अलग अलग होते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि देवनागरी लिपि किससे आई है? देवनागरी जो लिपि है ये ब्राह्मी लिपि से उत्कृष्ट है। किससे है? ब्राह्मी लिपि से। अगर मैं ब्राह्मी लिपि की बात करूं तो ब्राह्मी लिपि में जो है राइटिंग थोड़ी सी ऐसी है, ब्राह्मी लिपि में छोटा आ ऐसे लिखा जाता है। देखिए क्या है ब्राह्मी लिपि का? यह है छोटा आ, और ब्राह्मी लिपि का यह है बड़ा आ। ब्राह्मी लिपि की बात कर रहे हैं, यह है ब्राह्मी लिपि की छोटी ई, यह है ब्राह्मी लिपि की बात हो रही है, यह है ब्राह्मी लिपि का ऊ। और अगर हम बात करें, ये बना दिया अगर त्रिभुज, तो ये ब्राह्मी लिपि का ए है, छोटा ए ब्राह्मी लिपि का। और ओ की बात करें तो कुछ ऐसे बनता है जेड के जैसा, ओ बन जाता है, बल्कि जेड थोड़ा सा गलत हो जाएगा। ये क्या है ब्राह्मी लिपि का? ओ है। इस लिपि से हमारी देवनागरी लिपि का उत्कृष्ट हुआ है। उत्कृष्ट कैसे हुआ है, धीरे धीरे कैसे हुआ है, यहाँ देखेंगे इस चीज को सही से। ये इस तरह से मुड़ा हुआ है हमारा, इस तरह से मुड़ा हुआ है, तो इसे सीधा कर कर और यहाँ पर एक डंडा एक्स्ट्रा खींच दिया, तो हमारा क्या बन गया? छोटा आ। इसी प्रकार से ब्राह्मी लिपि से हमारी देवनागरी लिपि का क्या हुआ है? उद्गार हुआ है। देखिए आ का डंडे के लिए उन्होंने ऊपर डंडा लगाया, इसे हमने सीधा कर दिया, तो यह है हमारी ब्राह्मी लिपि। अब इन्हीं स्वरों के लिए पंजाबी की अगर हम बात करते हैं, पंजाबी भाषा की अगर हम बात करते हैं, तो पंजाबी भाषा में दो प्रकार की लिपि होती है। एक होती है गुरु लिपि, ठीक है, और एक होती है शाहमुखी। समझ लेंगे, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अच्छे से आज आपको हिंदी व्याकरण का पूरा पोस्टमार्टम हो जाएगा और एक अच्छे से आपके सामने उभर के आएगा कि हाँ हिंदी व्याकरण को कैसे पढ़ना है और क्या क्या इसके अंदर है। क्योंकि लेख काल का पेपर कोई ऐसा आसान पेपर एकदम से नहीं होता है कि आप घर से रट के गए कि भैया बड़ों की संख्या कितनी होती है, 52, आ गया लगा दिया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इसलिए चीज़ों को समझें गहराई से ताकि कुछ भी छूटे ना। एक एक प्रश्न, एक एक नंबर जान पर बना देता है नौकरी के लिए जब बात आती है। आइए समझते हैं। देखिए गुरु लिपि और शाहमुखी दोनों ही कैसी हैं? पंजाबी हैं। पर ये दोनों की लिखने की जो विधि है वो अलग अलग है। गुरु लिपि एक अलग माध्यम है, शाहमुखी एक अलग माध्यम है। अगर हम गुरु लिपि की बात करें तो इसमें छोटा आ कुछ ऐसे बनता है, ये क्या है? छोटा आ। और अगर हम इसी में बात करें बड़ा आ की, तो कुछ ऐसे बनता है बड़ा आ। ये क्या हुआ? सॉरी, इसमें थोड़ा सा डंडा खींचता है। छोटा आ बड़ा आ, ये किसकी बात हो रही है यहाँ पर? गुरु लिपि की बात हो रही है। अब देखिए इसमें ई कैसे बनता है, इसी में कुछ ऐसे करके ये ई बना, क्या बना? छोटा ई। किसकी बात हो रही है? गुरु लिपि की। अब सब गुरु लिपि और शाहमुखी में क्या अंतर है? देखिए पंजाबी दो तरीके के हैं। एक ऐसे पंजाबी हैं जो भारत में हैं, एक ऐसे पंजाबी हैं जो पाकिस्तान में हैं। जो पाकिस्तान के पंजाबी हैं वो शाहमुखी का प्रयोग करते हैं, और जो भारत के पंजाबी हैं वो गुरुमुखी का प्रयोग करते हैं। तो सीधी सी बात है, जो पाकिस्तान के पंजाबी हैं, पंजाब प्रांत है पाकिस्तान का, वो किसका प्रयोग करता है? शाहमुखी का। तो ये शाहमुखी क्या है? कुछ उर्दू जैसे लिखी जाती है, कुछ इस तरह से। तो हर एक के क्या है? अपने अपने चिन्ह हैं। देखिए बार बार इसे चिन्ह इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आप लोगों ने कभी ना कभी हिस्ट्री पढ़ी होगी, इतिहास पढ़ा होगा। इतिहास जब पढ़ा होगा तो उस इतिहास में आपने हड़प्पा सभ्यता भी पढ़ी होगी, और जब हड़प्पा सभ्यता आप लोगों ने पढ़ी होगी तो उसमें आपको पत्थरों पर, दीवारों पर, ईंटों पर, मूर्तियों पर, मोहरों पर कुछ चिन्ह गुदे हुए मिले होंगे। वो चिन्ह इस बात का प्रतीक है कि उनकी कोई मौखिक भाषा होगी, और उस मौखिक भाषा को उन्होंने कोई लिखित संकेत दे दिया होगा, लिखित चिन्ह दे दिया होगा। अब हम आज तक हड़प्पा सभ्यता के लिखे हुए चिन्हों को डिकोड नहीं कर पाए हैं, पढ़ नहीं पाए हैं। क्यों? क्योंकि उनका मतलब हमें पता ही नहीं है। तो इस कारण क्या है कि वो शब्द अभी तक
डिकोड नहीं हो पाए हैं, वह चिन्ह अभी तक डिकोड नहीं हो पाए हैं। तो आई होप सो ये आपको पता चला होगा। आइए वर्ण विचार में आगे की तरफ चलते हैं। अभी अगर हम वर्ण विचार में आगे की तरफ चलें तो इसे दो मुख्य भागों में बांटा गया है, एक है स्वर और एक है आपका व्यंजन। एक है स्वर और एक है व्यंजन, एक है स्वर एक है व्यंजन। आइए समझते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो, सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। आप लोगों के कमेंट्स ही हमें एक नई ऊर्जा देते हैं, एक काम को और अच्छा करने की प्रेरणा देते हैं। आइए समझते हैं। तो अगर हम वर्ण विचार की बात करें तो वर्ण को दो भागों में बांट दिया गया, स्वर और व्यंजन। और वर्णों की अगर हम संख्या की बात करें तो इनकी टोटल संख्या कितनी है, 52। तो इन 52 की अगर हम बात करें तो उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर कितनी है इनकी संख्या, 52 है। अब इन 52 में भी स्वर और व्यंजन में विभाजित है। देखिए याद रखेंगे, स्वर और व्यंजन में विभाजित है। स्वर क्या होते हैं, अभी अभी थोड़ी बातचीत भी करी है। देखिए स्वर की बात करें तो ये स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र से मेरा कहने का मतलब है इन्हें बोलने या लिखने के लिए किसी अन्य चिन्हों की आवश्यकता या अन्य माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जबकि व्यंजन की अगर हम बात करें तो इन्हें प्रयोग में लाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, हमें स्वर की आवश्यकता पड़ती है। एक बार बात कर लेते हैं कैसे। देखिए अगर मैं स्वर की बात करूं तो स्वर में आता है ए आ ई, और देखिए कैसे शब्द होने चाहिए, जी हमने लिखे ए आ ई, ये सब क्या है, स्वर हैं। पर ये कैसे हैं आपके, ये स्वर कैसे हैं आपके, सार्थक हैं। सार्थक से मतलब है इनकी संख्या, पैसे बता दूं 11 मानी गई है। इसके बारे में बातचीत होगी जब हम स्वर का चैप्टर पढ़ेंगे अगली क्लास में, फिलहाल तो हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं। तो जब ये कैसे होना चाहिए, सार्थक। ऐसा नहीं है कि कोई भी साउंड आप मुंह से निकाल दो, कोई भी आवाज मुख से निकाल दो तो वह आपका व्यंजन उसमें आ जाएगा, स्वर में जाएगा। ऐसा नहीं है गिनती के 11 हैं, ऐसा आप कुछ भी ऊट पटांग आवाज निकाल के देखो तो क्या उसको लिख पाएंगे, क्या उसके लिए कुछ चिन्ह निर्धारित है, नहीं है ऐसा, ठीक है। तो याद रखेंगे तो स्वतंत्र हैं ए आ ई, इनके लिए लिखने के किसी और चीज़ के साथ में आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। जबकि व्यंजनों को लिखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, स्वर की। अगर मैं एक व्यंजन लिखूँ क, तो याद रखेंगे ये के अंदर स्वर मौजूद है, समझेंगे, क्योंकि व्यंजन का शुद्ध रूप क्या है। व्यंजन को अगर शुद्ध रूप में मैं लिखूं तो क ऐसे लिखा जाता है, ये क के नीचे क्या है, हलंत होता है। ख बनाया, ख के नीचे हलंत, ग बनाया, ग के नीचे हलंत। और जबकि मैंने सिंपल रूप से लिखा तो ये कुछ ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है। तो शुद्ध रूप क्या है व्यंजन का, ये है, और अशुद्ध रूप क्या है, ये है। ऐसा अशुद्ध का मतलब ये नहीं है कि अशुद्ध है, इसका मतलब है यहाँ पर स्वर का प्रयोग हुआ है। स्वर का प्रयोग मतलब अगर मैं इसके टुकड़े करूँ तो हो जाएंगे, ये होगा क, क के नीचे हलंत प्लस ए, ये चीज़। मतलब कै के साथ जब ए का मेल हुआ तब जाकर, इस वाले ए का मेल हुआ तब जाकर ये क्या बना, व्यंजन बना, ये इस प्रकार से कै बना। और जबकि शुद्ध व्यंजन की बात करें तो नीचे क्या है, हलंत। पर जब भी इसे आप बोलेंगे तो बोला तो कै ही जाएगा, देखो कै, तो कै में किसकी आवाज आ रही है, ए की आवाज आ रही है। तो ये बात सिद्ध करती है कि व्यंजन को भी लिखने के या बोलने के लिए आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी, स्वर की, क्योंकि बात ही सीधी से दोहरी, स्वर। स्वर का मतलब मुख से जो साउंड निकले, मुख से जो आवाज निकले। तो हमने जब लिखने की बात आई, इस मौखिक चीज को लिखने की बात आई, तो ये दो तरीके से लिखे, कै और कै, क्योंकि व्यंजन का शुद्ध रूप क्या है, जिसके नीचे हलंत लगा हुआ है। और जब हमने व्यंजन को सीधे सीधे लिख दिया तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर ए भी इंक्लूड है, केवल ये पहचान करी गई है। देखिए पहचान बड़ी जरूरी होती है, चिन्ह, जैसे कभी बात हो रही थी चिन्ह, हर एक चीज का चिन्ह है। आप में से किसी ने कभी शॉर्ट हैंड पढ़ी हो तो वो भी तो चिन्ह है, बस उन चिन्हों को एक अलग तरीके से जल्दी लिखने के माध्यम से रिप्रेजेंट कर दिया, जैसे कि कै ख गै, ये हमारे चिन्ह हैं, किसके, देवनागरी लिपि के। लेकिन ऋषि मुखी होती है शॉर्ट हैंड की भाषा, ऋषि मुखी किताब जो इन बच्चों ने कभी पढ़ा होगा तो किताब पे देखना, उस पर ऋषि लिखा रहता है कुछ करके, तो उसके लिए का क्या है, ये कै ऐसी बनता है, और ये कै है, खै बनाएंगे तो कुछ ऐसे बनेगा, इसे काट देंगे, गै बनाएंगे तो थोड़ा डार्क, और घ बनाएंगे तो थोड़ा डार्क और काट देंगे। ये क्या है, ये कै है, ये खै है, ये गै है, ये घ है, ये किसका है, ये शॉर्ट हैंड वाली भाषा का है, ठीक है। लेकिन हमारी भाषा कौन सी, देवनागरी। तो हमने ये लिखा, ये लिखा, पर हमें जब व्यंजन को शुद्ध रूप से लिखना था तो हमने उसके नीचे हलंत लगाया। तो कई बार इसे ये भी कह देते हैं, ये शब्द कैसा माना जाता है, आधा,
कैसा माना जाता है? आधा, जिसके नीचे हलन लगा हुआ उसे क्या कहते हैं? आधा, मतलब ये व्यंजन है पूर्ण रूप से, इसके अंदर स्वर इंक्लूड नहीं है, ये पहचान मात्र है सिर्फ, ठीक है। तो व्यंजनों को किसके प्रयोग से लिखा है बोला जाता है? स्वर की सहायता से, जबकि स्वर कैसे हैं? स्वर स्वतंत्र हैं, इन्हें किसी और की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये हैं आपके कुछ ऐसी चीजें। अब इन स्वरों को मिलाकर, इन व्यंजनों को मिलाकर टोटल कितने हैं? ये 52 हैं। इन्हें 52 के माध्यम से क्या बनता है? एक शब्द बनता है। एक शब्द क्या बनता है? विचार में बदलता है, और विचार किस में बदलता है? हमारे वाक्य में बदलता है। क्लियर है? तो ये थी आज आपकी हिंदी व्याकरण की क्लास। अब इससे आगे जो हम कल पढ़ेंगे, मैं अभी बता देता हूँ आप लोगों को, हम कल क्या पढ़ने वाले हैं। कल हम जानेंगे वर्ण विचार के स्वर को। क्या पढ़ेंगे कल हम? स्वर चैप्टर को पढ़ेंगे। स्वर के बारे में पूरी जानकारी हम लोग लेंगे और देखेंगे कि स्वर में क्या क्या आता है, और एकदम क्रांतिकारी तरीके से देखेंगे, जिससे कि आपको पढ़ने में मजा आए, एक इंटरेस्ट पैदा हो। खैर, कल मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आपका दिन शुभ रहे। मन करे तो सब्सक्राइब कर देना, बल्कि कर ही देना, अच्छा रहेगा। शेयर करें, दोस्तों के साथ बैठ कर पढ़ें, लॉकडाउन का पूरा फायदा उठाएं। इस समय आप इस हिंदी सब्जेक्ट को, ज्योग्राफी को, पॉलिटी जैसे सब्जेक्टों को अपनी मजबूत पकड़ बना लें, इनकी प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं कल। बाय बाय।